तो समर्पण कविता है ये कक्षा 6 की, पुस्तक का नाम है अक्षरा। मेरे साथ तुम लोग भी दोहराओगे, जैसे मैं बोलता हूँ आप लोग भी उसी तरह स्वरबद्ध तरीके से गाएंगे। और ये जो कविता है, इस कविता में देश प्रेम, देश का प्रेम, एक बेटा जो होता है सबसे ज़्यादा, एक बच्चा जो है सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है बताओ? अपनी माँ से। अपनी माँ से। और माँ ही बताती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे बुआ हैं। लेकिन बच्चे को सबसे पहले जो भी शिक्षा मिलती है माँ से मिलती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे अधिक अपने माँ के पास रहता है। और इसी तरह हम सभी देशवासी, और हमारी माँ है भारत माँ, तो हम लोग भी सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करते हैं? माँ से और भारत माँ से। तो वहीं पर कवि जो है प्रेमवश अपने अपना जो समर्पण भाव है वो व्यक्त कर रहा है। समर्पण, समर्पण का अर्थ क्या है? कि पूरी तरह अर्पित कर देना अपने को। तो भारत माँ के प्रति जो उसका समर्पण है, जो प्रेम है, वो इस कविता के माध्यम से कह रहा है। तो क्या कहता है कभी? मन समर्पित, तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। गाइए तुम लोग भी। मन समर्पित, तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, चलिए इतनी पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि मन समर्पित, देखिए मनुष्य के पास किसी को भी देने के लिए क्या होता है, आदमी नहीं कहता है जब आरती करता है भगवान की तो क्या कहते हैं? तन मन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मन समर्पित यानी कि तन मन धन, इसमें सब कुछ आ जाता है। तन हम, मन हमारे विचार, और धन, धन का अर्थ मेरी जितनी भी चीजें हैं वो सब समर्पित। देखिए हम देश के अंदर रहते हैं तो देश के लिए हमारा सब कुछ समर्पित है। और जहां देश की बात आएगी, देश की आन पर बात आएगी, वहां हम अपनी इन चीजों का कोई भी स्वार्थ नहीं देखेंगे कि मेरा खेत सूख रहा है, कि मेरी भैंस चरने नहीं गई, या मेरा ये नुकसान हो रहा है। जब देश की बात आएगी तो हम सब कुछ देश पर निछावर कर देंगे। तो कभी कह रहा है कि मन समर्पित, तन समर्पित, मेरा मन भी समर्पित है और तन भी, और ये जीवन समर्पित, अब कुछ भी देने के लिए बचा नहीं है, नहीं, जीवन भी दे दिया। जैसे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने को धर्म की खातिर, एक चांडाल था जो शमशान घाट पर मुर्दों को जलाता था, तो अपने को उसको समर्पित कर दिया था, बेच दिया था। अब उसकी आज्ञा ही उनके लिए सब कुछ थी, सिरोधार थी। तो उनका कहते हैं कि उनकी पत्नी तारा और उनका बेटा वो खत्म हो गया था, मर गया था, तो उसको जलाने के लिए घाट पर जब आई तो जो चांडाल होता वो बदले में कुछ ना कुछ कर के रूप में लेता, ये वहाँ का नियम था। तो वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, तब वो क्या करती है, अपनी साड़ी को ही फाड़ कर के रूप में अदा करती। लेकिन हरिश्चंद्र पहचान भी लेते कि हमारी पत्नी, ऐसा नहीं कि हमारी पत्नी है तो चलो इसको जाने दो, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने को पूरी तरह उस चांडाल के लिए बेच दिया। इसी तरह हमने भी अपने को, कभी कहता है कि इस देश के लिए तन मन धन और ये जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया, अब मेरा कुछ नहीं है।
हम अपने स्वार्थ के लिए देश को खतरे में नहीं डालेंगे। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब कभी क्या कहता है कि हे भारत माता, ये तो मैंने सब कुछ दे ही दिया, लेकिन मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब तन मन धन तो सब कुछ दे दिया, जीवन भी दे दिया, इससे भी ज़्यादा इतना प्रेम देश के लिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। क्या कहता कि भारत माँ तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ऋण है। ऋण का मतलब क्या, कर्ज, यानी कि तुमने हमारे लिए इतना किया। जैसे हमारी माँ होती है, माँ जो है बचपन में हमें, तो कभी क्या कहता है, जैसे बच्चा होता है, माँ जो है रात में उसी गद्दे, सर्दियाँ चल रही हैं, टॉयलेट भी कर दे, पेशाब भी कर देता है, गीला कर देता बिस्तर, तो माँ क्या करती, बच्चे को सूखे में, जिधर बिस्तर सूखा होता है उधर बच्चे को सुलाती और खुद गीले में सोती है। तो इतना जो हमारे लिए माँ करती, तो क्या उसका ये ऋण हम लोग अदा कर सकते हैं? जब बड़े हो जाते हैं, जैसे हम छोटे होते हैं, तो माँ जो है हम जिद भी करते हैं, हैं हर चीज़ की ये चाहिए, और माँ बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है, फिर भी वो तुमको जो है ये नहीं कहती कि चल दूर हट जा, तू मेरा बच्चा नहीं है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारी बूढ़ी हो जाती है, तो बूढ़ा इंसान भी बच्चे की ही तरह हो जाता है। तो वैसे ही तुम्हारे, जो तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में तुम्हारे बाबा दादी होंगे, वैसे ही गुस्सा करते होंगे, ऐसे ही झुंझलाते होंगे, ऐसे ही जिद करते होंगे। तो हमें उस समय ये नहीं कि अब जो ये जिद कर रहे, झुंझला रहे, गुस्सा कर रहे, तो अब हम इनको, इन पे गुस्सा करें या इनसे हम बुरा भला कहें। क्यों? क्योंकि उनका जो ऋण है उनको हम कितनी भी सेवा करेंगे तब भी अदा नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में दद्दा होंगे तो तुम्हारे पापा पे कभी कभी झुंझलाते होंगे, चिल्लाते होंगे, तो तुम्हारे पापा भी उल्टा ऊपर कुछ कह देते होंगे, चिल्ला देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जितना ऋण है उसको हम चुका नहीं सकते। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। वो कह रहा कभी कि आपका इतना, भारत माँ तुम्हारा हमारे ऊपर इतना एहसान है, इतना ऋण है, इतना कर्ज है कि हम जो है उसको चुका, हम इस लायक नहीं है। मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। फिर भी हे भारत माता, मैं फिर भी ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, यानी कि जब हम अपना सर थाली में सजा के, अपना सर काट के थाली में सजा के आपको समर्पित करूं, आपको मैं चढ़ाने आऊं, तो इतनी दया कर देना कि उसको स्वीकार कर लेना। यहाँ सर काटने का मतलब ये नहीं है, सर काटने का, सर काट दोगे तो तुम क्या वहाँ तक जा पाओगे। यहाँ अर्थ ये है कि जब हम किसी भी परिस्थिति में कुछ भी आपको जब मैं देने आऊं तो उसको आप स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कड़कड़ समर्पित, और हमारे गीत, हमारी, हमारे प्राण, हमारे खून की एक एक बूंद तुमको समर्पित, खून का एक एक कतरा भारत माँ के। देखिए हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जब हमारा देश गुलाम था, कितने कष्ट सहते थे, खून का एक एक कतरा देने को तैयार थे कि हमारा देश, भारत माँ जो जंजीरों में जकड़ी हुई है, वो स्वतंत्र हो जाए। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। कभी कहता है कि सब कुछ देने के बाद फिर भी मेरे मन में ये बात है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, अब हमें तलवार लाके दे दो, पैनी करके बांध दो, अब पीठ पर वह ढाल मेरी, और पीठ पर हमारे ढाल, युद्ध के लिए तैयारी चल रही है। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और अपने चरणों की धूल मेरे माथ, भाल मीन्स मेरे माथे पर तिलक कर दो, और शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे ऊपर अपने आशीर्वाद की घनी छाया कर दो, यानी कि मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। जैसे जब भारत माता के लिए जब सैनिक लड़ने जाते हैं सीमा पर, तो अपने पूरे, पूरी तैयारी के साथ, वर्दी, सारे हथियार, सब कुछ सज के जाते हैं, हैं बिल्कुल रेडी होकर। तो वही कभी कह रहा है कि मैं अब युद्ध के लिए जा रहा हूँ, और मेरी तलवार दे दो माँ, पैनी करके मेरे पीठ पर ढाल बांध दो, और अपने, मेरे माथे पर अपने चरणों की धूल तिलक कर दो। जैसे जब हम लोग कहीं जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो घर से तिलक करके जाते हैं, आशीर्वाद लेकर जाते हैं, वही स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, हमारे जो भी स्वप्न है, हमने अपने जीवन के लिए जो भी सोचा अच्छा कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमारे पास एक गाड़ी होगी, हमारा अच्छा सा मकान होगा, हम ये, हमारे पास ये होगा वो, सब कुछ अर्पित कर दिया। हमारे जो प्रश्न, यानी कि जो हमारे कोई भी शंका, वो भी हमने अर्पित कर दी, अब हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं, आयु का क्षण क्षण समर्पित, और हमारी आयु का एक एक, हमारी उम्र का एक एक क्षण,
एक एक मिनट एक एक सेकंड सब कुछ भारत माँ के लिए समर्पित, चाहता हूँ देश की दर्द। फिर भी कभी क्या कहता है कि इतना सब कुछ अर्पित करने के बाद फिर भी मेरे मन में इच्छा है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये समर्पण कविता जो है राम अवतार त्यागी के द्वारा लिखी गई, उन्होंने ये कविता लिखी और इस कविता के माध्यम से भारत माँ का जो हमारे ऊपर ऋण है और भारत माँ के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो सब इस कविता के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया, अपने विचार प्रस्तुत किए।